कॉल शामिल करेंगे। नजफ साहब हैं बहावलपुर से। नजफ साहब क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। नजफ साहिबा हैं, ठीक है जी। आपका नाम नजफ है जी? जी अच्छा जी जी फरमाइए फरमाइए जी। हाँ जी, सवाल ये पूछना है कि जो तैयारी करते हैं तो उसकी नियत जो है वो खाना खाने से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? क्या करते हैं दोबारा पूछिएगा? सहरी जो करते हैं सहरी के वक्त उसकी नियत के क्या अल्फाज? एक और सवाल है जी, दूसरा कर लीजिए। हाँ, दूसरा सवाल ये कि कुछ इधर हमारे गांव में ना आदमी है वो काम नहीं करते, उनकी बेटियां हैं तो वो काम करती हैं ऐसे लोगों के घरों में, तो क्या हम उनको सदका ज़कात वगैरह दे सकते हैं? अच्छा, उनको ज़कात सदका। आदमी किस वजह से काम नहीं करता, मतलब कोई ऐसे ही बस लोकल टाइप जैसे लोग होते हैं ना कि काम नहीं करना हम नहीं करते, तो लड़कियां और उनकी बेगमात लोगों के घरों में काम करके अपना खाना वगैरह पूरा करती हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए, आदमी काम नहीं करता और घर के बच्चे बच्चियां जो है वो काम करें या बीवी, ये तो हमारे बहुत होता है जो हमारे घर में अक्सर मजबूर ख्वातीन आती हैं काम करने के लिए, उनका नहीं भी जी चाह रहा था, वो बेचारी अपने घरों से निकलती क्योंकि आदमी या तो नशों की लत में लगे हुए हैं या वो बस ये चाहते हैं कि उनकी ख्वातीन जाए। क्या कहेंगे आप ऐसे आदमी के लिए? जी, आपने ये दो सवालात ले लिए, एक रोजे की नियत के मुताल्लिक जी, सहरी के वक्त जो नियत, तो इसमें गुजारिश ये है और मेरे ख्याल से इसमें कोई मकातिब फिक्र का कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है कि ज़बान से कोई चीज़ अदा करना ज़रूरी नहीं। दिल का ख्याल और इरादा होना कि आज मेरा रोज़ा इस टाइम पर शुरू हो रहा है और मैं रोज़े से हूँ और रोज़ा मेरा इस वक्त से शुरू हो जाएगा, बस ये काफ़ी है। बल्कि जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिर्फ रोज़ा शुरू होने से पहले नियत नहीं है, रोज़े के दरमियान भी नियत होना ज़रूरी है। अच्छा। अभी हम रोज़े से हैं तो हमारी इस वक्त भी नियत होनी चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। जहाँ मैंने रोज़े के दरमियान भी तोड़ने का इरादा कर लिया तो वो इरादा भी रोज़े को बातिल करने का सबब बन सकता है। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक हमारे जहन के अंदर ये नियत होनी चाहिए कि मैं अभी इस वक्त उस वक्त से लेकर अभी तक रोज़े से हूँ। तो ये मुसलसल नियत होनी चाहिए जिसको कहा जाता है इस्तेमरार नियत, मुसलसल नियत होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं इनके लिए बेहतरीन मिसाल जो तारीख के अंदर है शाह मर्दा शेर अज़ा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, वो अली मुर्तज़ा के जो मैदान जंग में जाया करते थे तो कोई बड़े से बड़ा भी उनके मुकाबले पर नहीं टिक सकता था। जब वो घर के अंदर आते थे तो घर में घर के काम किया करते थे, और इतनी सारी रिवायात मौजूद हैं कि कभी सैयदा कायना से ये सवाल किया कि आप ये बताइए मैं आपके साथ बच्चों की किफालत के अंदर बच्चों की देखभाल के अंदर मसरूफ़ हो जाऊं या घर की सफाई सुथराई के अंदर मशगूल हो जाऊं या कपड़ों को धोने के अंदर मशगूल हो जाऊं, किस काम के लिए मैं चले जाऊँ? तो जैसे फातिमा जहरा फरमाया करती थी वैसे अली मुर्तज़ा अमल किया करते थे। ये है शाह मर्दा, इसे कहा जाता है मर्द। वो मर्द नहीं होता कि जो सीना तान कर कहे कि तुम्हें काम पर जाना है मैं तो आराम करूंगा, ये इस्लाम की निगाह में मर्द नहीं है। सैयद मर्दा जो है वो अली मुर्तज़ा ने सबक सिखाया और फिर इस अमल को रसूल खुदा ने भी देखा। रसूल खुदा ने जब अली मुर्तज़ा को घर के अंदर कामकाज करते हुए देखा तो फरमाया ए अली तुम्हें मालूम है अगर कोई मर्द अपनी औरत के घर के अंदर काम के अंदर हाथ बटाता है तो परवरदिगार उसे 1000 नमाजों का सवाब देता है, 1000 रोजों का सवाब देता है, 1000 जिहाद का सवाब देता है, 1000 एतिकाद का सवाब देता है, 1000 राय खुदा में शहदा का सवाब देता है। तो अगर इंसान यहाँ पर छोटा सा काम अंजाम दे रहा है तो ये मतलब नहीं है कि भाई मैदान के अंदर नहीं जा सका और जंग नहीं कर सका तो उस सवाब से महरूम हो गया, ये सवाब भी बहुत बड़ा है। आपने बहुत बड़ी बात और इसके अंदर जरूर शरीक होना चाहिए। और इस चीज को बल्कि शर्मिंदगी के तौर पर लेते हैं कि घर का काम करते हैं किसी को पता ना चल जाए, आदमी एम्बेरस होता है कि मैं घर का काम करूंगा ये मेरे जिम्मेदारी थोड़ी है।